नमस्कार दोस्तों, अंडो रोबोट्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बेबी, एयरलिफ्ट और रुस्तम जैसी सुपर हिट मूवी के बाद, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने एक्शन कुमार यानी अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार आ रहे हैं और एक देशभक्ति से भरा फिल्म के साथ। इस फिल्म का नाम है गोल्ड, जो 2018 में रिलीज होने वाली है। गोल्ड फिल्म को डायरेक्ट किया है रीमा कागटी ने और इसे प्रोड्यूस किया है रितेश हिडवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के अंडर। ये फिल्म एक बायोपिक है जो हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर के जीवन के ऊपर आधारित है। बलबीर सिंह सीनियर जो एक हॉकी इंडियन प्लेयर थे, जिन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी 1948 के ओलंपिक्स में, जिसमें इंडिया को स्वर्ण पदक मिला था। कौन है बलबीर सिंह सीनियर? बलबीर सिंह सीनियर दोसंगी भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी है। वे उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी और मेलबर्न 1956 में गोल्ड मेडल जीता था। बलबीर सिंह सीनियर 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में उपकप्तान थे और मेलबर्न ओलंपिक्स 1956 में कप्तान थे। तीनों ओलंपिक्स में मेडल जीतने में इनका मुख्य योगदान था। उन्हें अभी भी सबसे बड़ा हॉकी प्लेयर कहा जाता है। वे एक ऑल टाइम लेजेंड में गिने जाते हैं। उन्हें मॉडर्न डे का ध्यानचंद भी कहा जाता है और उन्हें ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सेंटर फॉरवर्ड भी माना जाता है। ओलंपिक्स फाइनल में सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड उनका अभी तक टूटा नहीं है। सिंह ने ये रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने 1952 के ओलंपिक्स के हॉकी फाइनल्स में नेदरलैंड के खिलाफ 6-1 के स्कोर में, जिसमें से 5 गोल उन्होंने ही दागे थे। बलबीर सिंह नामक अन्य भारतीय हॉकी खिलाड़ियों से उन्हें अलग करने के लिए उन्हें अक्सर बलबीर सिंह सीनियर कहा जाता है। सिंह 1975 के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मैनेजर और मुख्य कोच थे, जिसमें भारत ने जीत प्राप्त की। और 1971 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप था जहां भारत ने कांस्य पदक जीता था। 2012 में लंदन ओलंपिक्स दौरान सिंह को ओलंपिक संग्रहालय प्रदर्शनी द ओलंपिक जर्नी द स्टोरी ऑफ द गेम्स में सम्मानित किया गया, जो रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनी ने ओलंपिक खेल की कहानी 776 BC से लेकर 2012 की लंदन ओलंपिक्स तक की कहानी बताई। सिंह 16 प्रतिष्ठित ओलंपियनों में से एक थे, जिनके उदाहरण मानव शक्ति और प्रयास, जुनून, संकल्प, कड़ी मेहनत और उपलब्धि के बारे में बताते हैं और ओलंपिक आंदोलन के मूल्य को दर्शाते हैं। मूवी में अर्जुन अवार्ड विनर और पूर्व भारतीय कप्तान संदीप सिंह को साइन किया गया एक्टर्स को ट्रेन करने के लिए। इस मूवी का काफी शूटिंग मिडलैंड्स इंग्लैंड में किया गया। डायरेक्टर रीमा कागटे ने कहा, ये फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है। इस फिल्म में ना सिर्फ 1942 की गोल्डन विक्ट्री दर्शाई गई है, बल्कि 12 साल के महत्वपूर्ण भारतीय हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ये फिल्म 15 अगस्त 2018 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। हालांकि हकीकत में 1942 के ओलंपिक्स में भारत का स्कोर 4-0 था, लेकिन फिल्म में ऑडियंस को रोमांचक करने के लिए इसे 5-4 रखा गया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलना। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नए और अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।